आदेश दिए हैं। रेलवे देखिए, ये जो रेल सेवा चयन आयोग में लगातार शिकायतें मिल रही थी, लगातार भर्ती में गड़बड़ियों की बात आ रही थी, उन गड़बड़ियों को लेकर हमने एसटीएम को इसकी जांच सौंपी है और दरोगा भर्ती को लेकर कि पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हमने विजिलेंस को जांच दी। जहाँ विजिलेंस ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है, एसटीएम ने अभी तक 25 लोगों को सलाखों के अंदर कर दिया है, उनकी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कितनी ही पहुँच वाला क्यों ना हो, जहाँ भी होगा उसको हमारी एसटीएफ, हमारी पुलिस उसको खोजेगी और जो अपराधी है अपराधी को उसका दंड मिलेगा। इसके साथ साथ यह भी है कि चूंकि ये हमारे बेटियों से बेटों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे ननिहालों से जुड़ा हुआ विषय है, हम इसके लिए फुल प्रूफ योजना बना रहे हैं कि भविष्य में कभी भी कोई भी इस प्रकार की अपराधिक घटना की पुनरावृत्ति करने की न सोचे। इसके साथ साथ जो बच्चे अपनी मेहनत से पास हुए हैं उनको भी जो है हम लोग कहीं निराश नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे कि उन बच्चों का जिन्होंने अपनी ईमानदारी से मेहनत से जिनका परिणाम आया है वो बच्चे उसमें हों। इधर विधानसभा के स्तर पर भी जो है गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है कि लोगों ने कहा है कि गड़बड़ी हुई है तमाम तरह से। हमने कहा है कि जिस संस्था में भी गड़बड़ी हुई है, चूँकि विधानसभा एक हमारी संवैधानिक संस्था है, मैं माननीय अध्यक्षा जी से भी अनुरोध करूँगा कि वह भी जो है चाहे किसी की भी कालखंड में, चाहे इस कालखंड में हुई हो उस कालखंड में हुई, जो भी भर्तियों की गड़बड़ियाँ हुई है उसकी वो जांच बैठाएं और सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। विधानसभा में ये मानना भी उठता है कि जो सचिव है उनको नियम विरुद्ध एक साल में तीन तीन पर कहा है कि जहाँ भी गड़बड़ियाँ हुई है, ये कोई एक संस्था की बात नहीं है, जिस संस्था में भी गड़बड़ी हुई है हम उस संस्था में जांच के पक्षधर हैं, जांच हो और जांच में सरकार पूरी तरह से क्योंकि सभी युवाओं से ये बात आई थी कि गड़बड़ियां हो रही है और जब जांच की गई तो गड़बड़ियां पाई गई हैं। लेकिन इसमें कुछ युवा हमारे ऐसे भी हैं, बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने अपनी परीक्षाओं को अपने मेहनत से पास किया है, तो हम उनके बारे में निश्चित रूप से विचार करेंगे कि कैसे उनका रास्ता निकल सकता है, उनको हम निराश नहीं होंगे। सर, दो विधानसभा में युवाओं का हक मारा गया है, राहुल गांधी बात कर रहे हैं, मैंने कहा है कि उसकी जांच हो रही है और चूंकि मैं इसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने कहा है कि जिस कालखंड में भी आपने देखा होगा, हमने कभी ये नहीं कहा कि इसके कालखंड में 15-16 में दरोगा भर्ती हुई कि पटवारी घोटाला हुआ या कोई और घोटाला हुआ, हमने कहा है जो भी घोटाला हुआ है, जो भी भर्तियों में गड़बड़ियाँ आई है, किसी भी संस्था में गड़बड़ियाँ आई है उसकी जांच होगी।